नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर बलिया से है। यहाँ जनपद अंतर्गत रेवती विकास खंड के मुनि छपरा गांव में काली मां के स्थान पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने 72 लोकसभा बलिया क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के पक्ष में अपनी बात रखी और भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया। सभा में उपस्थित नेताओं ने मोदी और योगी की उपलब्धियों को गिनाया। वक्ताओं में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि टुंजी पाठक, प्रखर वक्ता अनूप पांडे, कामेश्वर सिंह इंजीनियर, सीबी मिश्रा, मनोज सिंह, वरिष्ठ पत्रकार गिरीश मिश्रा इत्यादि लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आखिर में कार्यक्रम के आयोजक श्री राम सिंह ने उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। अतिथियों का अंगवस्त्र और फूल मालाओं से स्वागत करा गया। उपस्थित लोगों ने हमारे सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा से क्या कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, हर आदमी सबसे पहले तो चैन की नींद सोना चाहता है जी। और चैन की नींद अगर किसी ने दिया तो हमारे बुलडोजर बाबा ने दिया। पूरे देश में मैसेज गया, पूरे विश्व में मैसेज गया कि अगर खुराफात करोगे, आवारा गर्दी करोगे, गुंडे करोगे तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दोनों तरफ बुलडोजर। हमारे सामने मनोज सिंह जी है, क्षेत्र के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के कदलाव नेताओं में से इनका नाम शुमार किया जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में घूम रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने 500 वर्षों तक जो कबूतरिया गिरपाल में थे उन्हें मंदिर में स्थापित करने का काम किया। राम जन्म भूमि तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है, इन्हीं शब्दों के साथ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से विपक्ष भी मानता है, पत्रकार भी मानता है, अमेरिका और पाकिस्तान भी मानता है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसी प्रकार से इस बलिया जनपद के लोग, यहाँ तक विपक्षी लोग भी हार मान चुके हैं। ये तय है कि नीरज शेखर बलिया से सांसद बन के जा रहे हैं। अभी हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के कद्दार नेता अनूप पांडे जी, मनोज सिंह जी है। आज जो आप चुनावी सभा में गांव गांव जाकर, क्षेत्र क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, आप लोग का मन में, जैसे अभी राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर बना है, धारा 370 खत्म हुआ है, अब आप लोग के सामने कौन कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनौतियां और वो चुनौतियां है जो हमारे देश के जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार मिले। और नरेंद्र मोदी जी जिसके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए एक योजना चला के, जैसे किसानों का सम्मान निधि है 6,000 रुपया, चाहे आधा कट्ठा खेत हो, 10 बीघा खेत हो, 6,000 रुपया जो सम्मान निधि मिलती है जिससे महंगाई कम होती है, तो हमारे उन भूमिहीन लोगों को भी एक निधि बनाएंगे, जो मजदूर निधि जो उनके खाते में जाएगा। टुंजी पाठक जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे दिन रात किए हुए हैं, और इनके परिवार के पूर्व मंत्री बच्चा पाठक रहे हैं, 7 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। क्या रुझान है, क्या कारण है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए? कुछ दिन पहले आपके परिवार के लोग कांग्रेस में थे। ऐसा है कि मैं तो विधानसभा चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया जी, और मन में तो लगन और पहले से थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मैं जुड़ा भारतीय जनता पार्टी से। समय के हिसाब से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी, खासतौर से मोदी जी के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लिए और देश के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं या दे रहे हैं, इनसे प्रभावित हुई है। मैंने आप मोदी जी के नीति से प्रभावित हुए? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। हमारे सामने सीबी मिश्रा जी हैं। आपकी बात, आपकी बात, जय श्री राम। हमारे सामने मुंछपरा गांव के एक बड़े वरिष्ठ अभियंता रहे, इंजीनियर रहे, कामेश्वर सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर सिपाही के रूप में जाने जाते हैं, आपका क्या कहना है? आज पूरे हिंदुस्तान की छवि को मोदी जी का नेतृत्व पूरे दुनिया में ये बता करके रखा है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने पूरे भारत को दिया है। और बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।